आज हम करेंगे एक कहानी, यह भी मनु भंडारी के लिखे हुए पाठ का वर्णन, जिसमें उन्होंने, यह एक आत्मकथा है, इसमें उन्होंने अपने जीवन की उन घटनाओं का वर्णन किया है जो उन्हें लेखिका बनने में सहायक हुई हैं। इस पाठ में उनके जीवन की उन घटनाओं का वर्णन है जो उन्हें अपने गांव में युवा होती एक लड़की की आज़ादी की लड़ाई में उत्साह और संगठन, साथ में उनका विरोध करने का स्वरूप देखते ही बनता है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उसका बचपन अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में गुजरा था। उनका घर 2 मंजिल का था, नीचे पूरा परिवार रहता था, ऊपर की मंजिल पर उनके पिता का साम्राज्य था। पहले वे लोग इंदौर में रहते थे। इंदौर में उनका परिवार प्रतिष्ठित परिवारों में से एक माना जाता था। उनकी इंदौर में अच्छी प्रतिष्ठा थी। शिक्षा को केवल उपदेश की तरह वो लोग नहीं लेते थे। कमज़ोर छात्रों को घर पर लाकर के पढ़ाया जाता था। उनके पढ़ाए हुए छात्र आज ऊंचे ओहदों पर लगे हुए हैं। उनके पिता दरियादल कोमल स्वभाव, संवेदनशील होने के साथ साथ क्रोधी और अहमवादी थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वह अंदर तक हिल गए थे। इस कारण से उन्होंने इंदौर को छोड़ दिया और वो अजमेर में रहने आ चुके थे। अजमेर में उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। यह अपनी तरह का पहला शब्दकोश था, जिसके कारण उन्हें प्रसिद्धि तो मिली लेकिन धन नहीं। कमज़ोर आर्थिक स्थिति ने उनके सकारात्मक पहलुओं पर अपना घर बना लिया था और वे अपनी गिरती आर्थिक स्थिति में अपने बच्चों को भागीदार बनाना नहीं चाहते थे। आरंभ से अच्छा देखने वाले पिताजी के लिए यह दिन बड़े कष्टदायक थे। इससे उनका स्वभाव क्रोधी हो गया था और उनके क्रोध का सारा भाजन उनकी माँ बनती थी। उनकी माँ पर सारा क्रोध उतरता था उनके पिताजी का। उनके इस क्रोध के कारण क्या था कि लोगों से उन्होंने हमेशा धोखा ही खाया था। इस कारण से वे हर किसी को शक की नज़रों से देखते थे। लेखिका अपने पिताजी को याद करके यह बताना चाहती है कि उनके अंदर पिताजी के कितने गुण और अवगुण आए। उनके व्यवहार ने सदैव लेखिका को हीनता का शिकार बनाया है। लेखिका का रंग काला था, शरीर से वह दुबली पतली थी, परंतु उनके पिताजी को गोरा रंग पसंद था। उनकी बड़ी बहन सुशीला का रंग साफ था, इसलिए वह पिताजी की चहेती थी। उनकी हर बात में सुशीला से तुलना की जाती थी, जिसके कारण लेखिका के मन में हीन भावना आ जाती है और वह हीन भावना अभी भी उनमें से निकल नहीं पाती है। इसी कारण से यह लेखिका जो है अपनी तारीफ नहीं सुन पाती हैं। लेखिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है कि उन्होंने लेखिका के रूप में इतनी उपलब्धियाँ पा ली हैं। लेखिका पर अपने पिता का पूरा प्रभाव था। उसे अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं पिता का व्यवहार दिखाई देता था। दोनों के विचार आपस में सदैव टकराते रहते थे। कभी भी उनके विचारों में एक रूपता नहीं होती थी। समय मनुष्य को बदल देता है, परंतु कुछ जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि जो अपने स्थान से हिलती नहीं। पिता से विपरीत स्वभाव की थी लेखिका की माँ। वे हर समय सबकी सेवा में तैयार रहती थी। पिताजी की हर कमजोरी माँ पर निकलती थी। वे हर बात को अपना कर्तव्य मानकर पूरा करती थी। लेखिका उसके दूसरे भाई बहनों का माँ से विशेष लगाव था, परंतु लेखिका की माँ कभी भी उसका आदर्श नहीं बन पाई। लेखिका अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। लेखिका को उसकी शादी की कुछ धुंधली सी यादें थीं।
उसकी शादी की कुछ धुंधली यादें उसके मन में अब भी थी, लेकिन बहुत अच्छे से उसे याद नहीं था। घर के आंगन में जब वो खेलते थे बच्चे, तो सबके साथ बहन सुशीला भी खेला करती थी। सब बच्चे आंगन में मिलकर के खेलते थे। दोनों बचपन के सभी खेल खेलती थी जो बच्चे खेलते हैं। दोनों अपने भाइयों के साथ लड़कों वाले खेल खेलती थी। परंतु उनके खेल का दायरा उनके घर का आंगन था, जबकि लड़के कहीं भी आ जा सकते थे। लड़कों को खुली छूट थी कि वह सबके घरों में आ जा सकते हैं, परंतु लड़कियों को ये इजाज़त नहीं दी गई थी कि सभी के घर जाकर मोहल्ले में वो खेलें। उस समय मोहल्ले के सभी घर एक दूसरे के परिवारों का हिस्सा होते थे। लेखिका को आज भी फ्लैट वाली ज़िंदगी असहाय लगती है। उन्हें अपना जो बचपन और यौवन जहां व्यतीत किया था वो याद आता रहता है, और हमेशा उनकी कहानियों के पात्र उसी स्थान पर आधारित होते हैं। उस समय के समाज में लड़की की शादी के लिए योग्य आयु 16 वर्ष मानी जाती थी, और मैट्रिक तक शिक्षा पढ़ी हुई लड़की की शादी कर दी जाती थी। उनकी बहन की शादी 1944 में हो गई थी। उसके दोनों बड़े भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे। सबके जाने के पश्चात लेखिका को अपने व्यक्तित्व का एहसास हुआ। उसके पिताजी ने भी कभी घर के कार्यों के लिए प्रेरित नहीं किया। उन्होंने सदा उसे राजनीतिक सभाओं में अपने साथ बैठाया। वे चाहते थे कि उसे देश की पर्याप्त जानकारी हो। उस समय देश में बहुत कुछ घट रहा था। चारों तरफ आज़ादी की लहर दौड़ रही थी। लेखिका की आयु काफ़ी कम थी, फिर भी उसे क्रांतिकारियों और देशभक्तों शहीदों की कुर्बानियां रोमांचित कर देती थी। दसवीं कक्षा तक तो लेखिका को जो भी साहित्य मिलता था वो पढ़ लेती थी। लेकिन बाद में जैसे ही दसवीं पास करके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में वो आई, तो वहाँ उनकी हिंदी की अध्यापिका थी शीला अग्रवाल। उन्होंने वास्तविक रूप में साहित्य से इनका परिचय करवाया। वो खुद इनके लिए पुस्तक चुनती थी और उसे पढ़ने के लिए देती थी। उन विषयों पर शीला अग्रवाल लेखिका से लंबी बहस करती थी। इससे इनके साहित्य का दायरा बढ़ा। लेखिका ने उस समय के सभी बड़े बड़े लेखकों के साहित्यों को पढ़ना शुरू कर दिया था। अध्यापिका शीला अग्रवाल की संगति जो थी उनके लिए बड़े लेखकों से परिचय का एक कारण बनी। उन्होंने घर से बाहर की दुनिया का परिचय भी इनका कराया। पिताजी के साथ आरंभ से ही राजनीतिक सभाओं में हिस्सा लेती थी, परंतु उन्होंने उसे सक्रिय राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 46-47 में देश का वातावरण ऐसा था कि व्यक्ति अपने घर में चुपचाप नहीं बैठ सकता था, यानी कि आज़ादी की लहर चल रही थी। उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल की बातों ने उनके अंदर जोश भर दिया था, और वह देश की स्वतंत्रता के लिए लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर राजनीति में हिस्सा लेने लगी। परंतु उनके पिता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वे दोहरे व्यक्तित्व के स्वामी थे। एक तरफ तो चाहते थे कि वो समाज में नाम रोशन करे, दूसरी तरफ वो चाहते थे कि वो लड़कों के साथ ना घूमें। उन्हें उसका घर से बाहर राजनीतिक उथल पुथल में हिस्सा लेना अच्छा नहीं लगता था। यहीं पर दोनों
पिता और पुत्री के विचारों में टकराहट होने लगती है। दोनों के मध्य विचारों की टकराहट उनकी राजेंद्र से शादी होने तक चलती रहती है। लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उन्हें यश की चाहत है, वो नाम कमाना चाहते हैं। उनके अनुसार कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज में नाम रोशन हो। उनकी इसी चाहत ने लेखिका को उनके क्रोध का भाजन बनने से बचाया। एक बार प्रिंसिपल का कॉलेज से पत्र पिताजी के नाम आया, उन्होंने उसके बारे में बातचीत करने के लिए बुलाया था। इस बात पर पिताजी को बहुत क्रोध आता है। कॉलेज से लौटे तो लेकिन वो खुश थे। उन्होंने बताया कि उसका कॉलेज में बहुत दबदबा है, सारा कॉलेज उसके एक इशारे से खाली हो जाता है। वे तीन लड़कियां हैं जिन्होंने कॉलेज में अपना दबदबा बनाकर रखा है। पिताजी को प्रिंसिपल की बातें सुनकर गर्व हुआ कि उनके घर में एक ऐसा नेता है जो सभी को एक आवाज़ में चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। पिताजी के मुंह से अपने लिए प्रशंसा सुनकर उसे अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। ऐसी ही एक घटना और थी। उन दिनों आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चल रहा था। सभी स्कूलों और कॉलेजों में हड़ताल चल रही थी। सारा युवा वर्ग अजमेर के मुख्य बाजार की चौराहे पर एकत्रित हुआ था। वहाँ सभी ने अपने विचार रखे। लेखिका ने भी अपने विचार उपस्थित भीड़ के सामने रखे। उसके विचार सुनकर उसके पिताजी के मित्र ने बताया कि उन्हें उसके बारे में उल्टा सीधा कह दिया, जिसे सुनकर पिताजी को गुस्सा आ गया। वो आग बबूला हो गए और सारा दिन माँ पर कुछ ना कुछ बोलते रहे। रात के समय जब वह घर लौटी तो उसके पिताजी ने के पास उनके एक अभिन्न मित्र अम्बालाल जी बैठे थे। अम्बालाल जी ने मनु को देखते ही उसकी प्रशंसा करनी प्रारंभ कर दी। वे उसके पिताजी से बोले कि उन्होंने मनु का भाषण सुनकर अच्छा नहीं किया। मनु ने बड़ा ही अच्छा और ज़ोरदार भाषण दिया था। पिताजी यह सुनकर बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पर गर्व के भाव थे। बाद में उसे उसकी माँ ने दोपहर में पिताजी के क्रोध वाली बात बताई तो उसकी सांस में सांस आई। लेखिका आज अपने अतीत में देखती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या वास्तव में उसका भाषण ज़ोरदार था या फिर उस समय समाज में लड़कियों के द्वारा दिया गया निसंकोच और धुआंधार बोलना ही अपना प्रभाव छोड़ गया। परंतु लेखिका के पिताजी कई प्रकार के अंतर्विरोधों में जी रहे थे। वे आधुनिकता और पुराने विचार दोनों के समर्थक थे, यानी कि उनके भीतर दोनों विचारों के बीच में टकराहट थी। उनके यही विचार कई प्रकार के विचारों के विरोध का कारण बनते थे। मई 1947 में अध्यापक शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाल दिया गया। उन पर आरोप था कि वे कॉलेज की लड़कियों को अनुशासनहीनता सिखाती हैं। लेखिका के साथ दो और लड़कियों को थर्ड ईयर में दाखिला नहीं दिया गया। कॉलेज में इस बात को लेकर खूब शोर शराबा होता है। जीत लड़कियों की हुई, परंतु इस जीत की खुशी से भी ज़्यादा एक और खुशी प्रतीक्षा में थी। वह उस शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उपलब्धि क्या थी कि उस समय भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का परचम लहराया था। और इस तरह मनु भंडारी के जीवन में यह एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी।